खंडवा कलेक्टर की जनसुनवाई में अपने परिजनों की मदद से खटिया पर लेटकर पहुंचे दिव्यांग ने कलेक्टर से कहा कि उसकी पेंशन बढ़ा दो और उसे बीपीएल कार्ड बनाकर दे दो, अन्यथा उसे राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु दिलवा दो। पिछले 11 वर्षों से विकलांगता के चलते चलने फिरने से लाचार व्यक्ति अपने परिजनों की मदद से खटिया पर लेटकर खंडवा जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में जा पहुंचा। विकलांग ने कहा कि मोदी जी ने विकलांग की बजाय दिव्यांग कहना आरंभ कर दिया, लेकिन सरकार ने दिव्यांगों को कोई सुविधा नहीं दी। मात्र 300 रुपए विकलांगता की पेंशन मिलती है, इसमें अपना अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करें, बच्चों को कैसे पाए। पिछले कई वर्षों से वह बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए परेशान है, लेकिन ना तो उसकी पेंशन बढ़ाई जा रही है और ना ही उसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की पात्रता रखने वाला राशन कार्ड बनाकर दिया जा रहा है, इसलिए उसने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। अपनी व्यथा सुनाने वाले दिव्यांग का नाम राधेश्याम तावर है, जो ग्राम सुजलिया खेड़ी का रहने वाला है। जनसभा में यही मांग लेके आया था कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए और बीपीएल कार्ड बनना चाहिए मेरा। मैं 95% विकलांग हूँ और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए मेरे को। कितने साल से आप बेड पे स्ट्रेस पड़े? मैं 11 साल से पड़ा हूँ। और किस तरह की सुविधा चाह रहे हैं सरकार से? जो विकलांगों का खौफ, वही मैंने बताया ना कि भाई विकलांगों को अच्छे से सुविधा मिलनी चाहिए। क्या होता है पेंशन 300 रुपये सिर्फ मिलती है, इसमें क्या होता है बताओ 300 रुपये में। कल कलेक्टर साहब से मिली थी, मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इनका बीपीएल कार्ड बनाएंगे। मेरी मम्मी अपंग है, मेरे मामा अपंग है, मेरा हस्बैंड भी अपंग है, और मैं चाहती कि इन लोगों के साथ कोई न्याय हो, कुछ तो उनको व्यवस्था मिले। मेरे ससुर जी की पेंशन मेरे पति को मतलब स्वीकृत हुई है, पर शासन ने अभी तक मुझे पेंशन नहीं मिलना शुरू हुई। मैं दौड़ रही हूँ 5 साल से, स्वीकृत भी हो चुकी है। इस दिव्यांग की व्यथा सुन जिला कलेक्टर ने उसे उचित मदद देने का आश्वासन दिया। खंडवा से राहुल बोरसिया की रिपोर्ट।